तहत देश में जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, जो नीचे के तबके का व्यक्ति होता है, उसको लाभ देने की कोशिश की। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके और अंतिम सिरे पे जो हमारा गरीब है उसको लाभ देने के लिए एक योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो इस प्रकार की योजना को लागू किया जाएगा जिसमें अधिकतम लाभ 72,000 वार्षिक दिया जाएगा, यानी कि जो परिवार अधिकतम मासिक आय 12,000 प्राप्त करते हैं या 12,000 से कम प्राप्त करते हैं उन सब परिवारों को सालाना अधिकतम 12,000 अर्थात 6,000 प्रतिमाह का लाभ न्यूनतम आय के रूप में दिया जाएगा। कांग्रेस का ये कहना है कि हर व्यक्ति को आय और लाभांश का हक मिलना चाहिए। पूर्व में नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की जिस तरीके से गारंटी दी थी उसी प्रकार से देश के सभी वे लोग जो बिल्कुल निचले तबके से हैं और जिनकी आय मासिक 12,000 के अंदर अंदर आती है उनको 6,000 प्रतिमा का लाभ देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। 3.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त जो व्यय है इस योजना के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा सरकार आने की स्थिति में किया जाएगा। एक बहुत महती योजना है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश इससे बहुत खुश है और गरीब खुशहाल इसलिए है कि उसे एक न्यूनतम आय की गारंटी सरकार आने वाली देगी, इस तरीके की घोषणा कांग्रेस ने की है। हम लोग सभी कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार सभी ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता के माध्यम से एवं हमारे संगठन के माध्यम से ये प्रचार करने में लगे हुए हैं कि इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिर्फ डीबीटी की यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात तो करी है परंतु कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी भी रूप में उनके द्वारा कभी किया नहीं गया, न ही भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए जारी की गई है। मैं आपको याद दिला देता हूं कि चाहे इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो जिसमें विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी कांग्रेस के द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद में मनरेगा के रूप में उस समय नरेगा के नाम से एक योजना थी वो भी कांग्रेस के द्वारा जारी की गई थी। तो इस प्रकार की योजनाओं से देश का गरीब व्यक्ति लाभ को प्राप्त करता है। कांग्रेस का जो ध्यान है, जो कांग्रेस की केंद्र बिंदु है, वो सिर्फ पूंजीपति या अमीर व्यक्तियों को लाभ दिलाना और उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार करना ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस का प्रयास है कि देश का गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति लाभ को प्राप्त करे और न्यूनतम आय का भागीदार बने। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है।